हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज है 4 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दाल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने किस वैरायटी की दाल को छोड़कर सभी दालों के भंडार के लिए 31 अक्टूबर तक सीमा निर्धारित की है। तो फ्रेंड्स, ये है मूँग की दाल। मूँग की दाल चाहे जितना स्टोर करो, बाकी कोई भी दाल होगी तो उसके लिए एक लिमिट लगाई गई है। और ये लिमिट क्या है, देखिए जो ये लिमिट है वो ये है कि थोक और खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर यह लिमिट अलग अलग है। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 200 टन होगी, खुदरा विक्रेताओं के लिए यह 5 टन होगी। और केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट भी देखी जा रही है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि इस समय दाल और खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही थी, तो उसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है, तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पूरी तरह से कोविन ऐप पर जाकर अपना पंजीकरण करवाकर टीका लगवा सकती हैं, इससे जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि कोविड के टीके से गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों को बचाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाएं कभी भी टीका लगवा सकती हैं। और अगर बात करें हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है चांदनी चौक नई दिल्ली, और राज्य मंत्री कौन है, श्री अश्विनी कुमार चौबे। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों का कि यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये क्वेश्चन मैंने कल भी रखा था वीडियो में, आज भी रखा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय संघ के कुल 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में रखा है। और देखो, हो ये रहा था कि यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में जो शामिल किया है, इन देशों में जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और इसमें स्पेन भी है। तो इस कदम से कोविशील्ड टीका लगा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। भारत ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को तभी मान्यता देगा जब यूरोपीय संघ भी भारतीय टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दे। तो बेसिकली भारत में इसमें दो ही टीके लग रहे हैं, एक तो आपका कोविशील्ड हो गया है, दूसरा जो है कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम भारत बायोटेक है, और भारत बायोटेक के जो CMD हैं उनका नाम है किसडा इल्ला। और कोविशील्ड कौन बनाता है, कोविशील्ड बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके CEO कौन है, अदार पूनावाला। और ये भी याद रखना कि कोविशील्ड वैक्सीन का लाइसेंस जो है यह एस्ट्रोजेनिका नामक दवा कंपनी के पास है। बात करें अगर यूरोपीय संघ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, सदस्य देश हैं 27, और 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है यूरोपीय संघ, जिसके प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिशेल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल माध्यम से कितने तकनीकी नवाचार प्लेटफार्म, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लेटफार्म्स का जो है अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसकी संख्या है ऑप्शन बी, यानी कि 6। तो भारी उद्योग और लोक उद्यम और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफार्म का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्लेटफार्म विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और कई अन्य क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए चिन्हित मूल प्रौद्योगिकी का आधार बनेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विकास के लिए नवाचार और उच्च तकनीकी अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाचार के माध्यम से सृजित उपयोगिता राष्ट्र के लिए समृद्धि लाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से नामक पहल की शुरुआत की है, सलाम दिल से। तो फ्रेंड्स, ये जो सलाम दिल से नामक पहल है ये शुरू की गई है HDFC बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, और MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक ने देश भर में डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा करने के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल को शुरू किया है। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, वहाँ पर कोई भी जाकर डॉक्टरों के लिए कोई भी थैंक यू लेटर लिख सकता है।
और देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होगा कि हाल ही में ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज किस राज्य में हुई है। तो ये जो सांप है फिलहाल आपको दिख रहा होगा केचुए जैसा, लेकिन केचुए जैसा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो लग रहा है ना सांप जैसा, तो देखो ये जो सांप है ये बिल्कुल रेड कलर में है, लेकिन इसका नाम क्या है, ब्लैक बेलिड कोरल सांप। तो ये चर्चा में क्यों है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यस निग्रीवेंटर, यस निग्रीवेंटर इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्लैक बेलिड कोरल सांप पूर्व में हिमाचल प्रदेश के सोलन में 1100 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते थे, उत्तराखंड में पहली बार देखा गया है, इसलिए ये चर्चा में है। सरीसृप विज्ञानियों का कहना है कि इस सांप के बारे में अभी वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है, ऐसे में इस सांप को लेकर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज सबसे पहले 1908 में हुई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई प्रजाति है, 1908 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज की गई थी अंग्रेजी सरीसृप विज्ञानी कर्नल फ्रैंक वाल के द्वारा। और देखो हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है, तो नाम में YSR जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर में ये है आंध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही बना था, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, 2014 में तेलंगाना के लिए मंजूरी दी गई थी। और आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो गुजरात के बाद भारत के किसी राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात पहले स्थान पर है, तटरेखा सबसे लंबी गुजरात की है, फिर होता है आंध्र प्रदेश। तो ये सब बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल को किसने स्टार्ट किया है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो फ्रेंड्स ये जो पहल है इसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और जम्मू कश्मीर के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, उनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। तो ये याद रखना कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी उसमें बदलाव आया 5 अगस्त 2019 को। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखो कश्मीर का उल्लेख जो है ये कल्लड़ की राजतरंगिणी जो किताब है उसमें मिलता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, इसके बाद कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की। 6री शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार था। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य पीढ़ नाम था, पूरा ललितादित्य प्रमुख राजा हुआ। कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ 13वीं और 14वीं शताब्दी में, और मुस्लिम शासक जैन उल आबादीन, जिसको जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को, 1586 ईस्वी में कश्मीर अकबर के राज्य में मिला लिया गया था। 1572 में कश्मीर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। जम्मू का उल्लेख हड़प्पाई अवशेषों, मौर्य, कुषाण तथा गुप्त कलाकृतियों में भी स्पष्ट रूप से होता रहा है। 1733 से लेकर 1782 ईस्वी तक जम्मू राजा रणजीत सिंह के पास था, बाद में गुलाब सिंह को सौंप दिया गया, और वर्ष 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का अधिकार था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह एक बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री है जम्मू और कश्मीर की। आगे बढ़ते हैं, WHO ने हाल ही में किस देश को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देश है ऑप्शन ए यानी कि चाइना। तो आप बता दें कि विश्व मलेरिया संगठन ने 70 साल की कोशिश के बाद मंगलवार को ये प्रमाणित किया कि चीन मलेरिया मुक्त है, जो उस देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। चीन में 1940 के दशक में सालाना इस बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे। WHO द्वारा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से ज़्यादा समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया जो है 1981 में, सिंगापुर को 1982 में, और ब्रुनेई को 1987 में ही
मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। अब तक विश्व के 40 देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र को प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में अल सल्वाडोर 2021 अल सल्वाडोर ने अभी हाल ही में बिटकॉइन को भी लीगल मुद्रा की संज्ञा दी है, ये भी आप याद रखना। अल्जीरिया 2019, अर्जेंटीना 2019, पराग्वे 2018 और उज्बेकिस्तान 2018 में शामिल है, जिसे अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया है। WHO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहॉम। और दोस्तों WHO का जो मुख्यालय मिलेगा वो आपको मिलेगा जिनेवा में। विश्व मलेरिया दिवस होता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को और भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा है, तो ये भी याद है, मतलब याद रहना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस ये कब मनाया गया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये भी हाल ही में मनाया गया था, तो कब मनाया गया, फ्रेंड्स याद रखना ये मनाया गया था 2 जुलाई को। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ द्वारा संगठन की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए की गई थी। AIPS का गठन 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुआ था। AIPS का मुख्यालय मिलेगा आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में और AIPS के राष्ट्रपति हैं गियानी मेरलो। तो 2 जुलाई को 2 दिन हो गए, एक तो आपका हो गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, दूसरा कौन सा हो गया वर्ल्ड UFO डे, ठीक है, तो ये भी याद रखना, 2 दिवस हो गए 2 जुलाई को। और ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो हैं उसके नए महानिदेशक बन गए हैं एन वेणुधर रेड्डी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, एन वेणुधर रेड्डी। और बात करेंगे मिनी शाह के बारे में विकल्प भी, तो ये अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। RK सबरवाल को अभी हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और सुरेश एन पटेल ये भारत के नए CVC बनाए गए हैं, ठीक है, तो सभी नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में और मुख्यालय है कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है, तो देश का पहला एक्वेटिक किंगडम है तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये खोला गया है बेंगलोर में, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश का पहला जली साम्राज्य एक्वेटिक किंगडम KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे स्टेशन विभाग निगम की पहल पर HNI एंटरप्राइज ने इसे तैयार किया है और इसे देखने के लिए आपको 25 रुपये का प्रवेश शुल्क रखा गया है। टनल एक्वेरियम 12 फीट, पैलुडेरियम विदेशी मछलियों, आम जनता के लिए भित्ति चित्र सहित कई आकर्षक कलाकृतियाँ भी इसमें प्रदर्शित की गई हैं। तो बेसिकली ये है कि जो यात्री होंगे वो अगर उनके पास समय है तो 25 रुपये दें और काफ़ी ज्ञानवर्धन और एंटरटेनमेंट वो इसके माध्यम से कर सकेंगे। तो बेंगलोर जो है ये पहला जो है रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक्वेटिक किंगडम जो है स्थापित किया गया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 184 क्या था, प्रश्न था कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया, सही आंसर है इसका मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 185 की, बताइए कि किस राज्य सरकार ने साल्ट नामक कार्यक्रम को शुरू किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग जरूर देना। और हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, वीडियो किन्हीं कारणों से आज थोड़ा सा शॉर्ट है, कल से आपको पुराने तर्ज पर यानी कि सारे डिटेल्स के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।